हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्रिकेट विद मंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीएल 2021 के फेज टू के फर्स्ट मैच की, जो कि खेला जाएगा 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 टाइम चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। फ्रेंड्स, ये मैच शाम के 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में खेला जाएगा। पिछले साल भी यहाँ पर आईपीएल के मैचेस हुए थे और इस बार भी यहाँ पर फेज टू के मैचेस हो रहे हैं। पिच बोर्ड की बात करें तो पिच यहाँ पर हमें फ्रेश पिच देखने को मिलेगी और बैट्समैन यहाँ पर रन बनते हुए देखेंगे, और जबकि कुछ मदद यहाँ पर तेज गेंदबाजों को देखने को मिल सकती है। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है यहाँ पर दुबई का। और बाउंड्री डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। इधर से 68 मीटर की यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्री है। बहुत ही खूबसूरत सा मैदान है यहाँ पर दुबई का। और यहाँ पर अगर इस वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमों ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से सीएसके का पल्ला भारी रहा है। सीएसके ने 2 बार जीते, जबकि एमआई 1 बार ही जीती है। और बैटिंग फर्स्ट करने की बात करें तो इस वेन्यू पर जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है, वो सिर्फ 3 बार जीती है 11 मैचों में। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जो कैप्टन टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करना प्रेफर करेगा, और ड्यू फैक्टर भी है तो वैसे भी चेस करना ईजी रहेगा इस वेन्यू पर। एवरेज स्कोर की बात करें तो 162-180 देखने को मिलेगा। फॉर फाइनल टीम्स एंड फर्दर अपडेट, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, और अब आते हैं न्यूज की बात। तो न्यूज ये है कि मुंबई इंडियंस के ऑल प्लेयर्स ज्वाइन द टीम एंड मुंबई इंडियंस यहाँ पर थोड़ा लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर नजर। अब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है कि सैम करन बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, वो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर ज़्यादातर यहाँ पर नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं हमें। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि फैफ डु प्लेसिस ने उन्हें ज्वाइन कर लिया उनकी टीम को, सीएसके को, और बहुत ही जल्द हम वो मैच खेलते हुए दिखेंगे। और हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो इन दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलकर 33 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सीएसके ने 13 मैच जीते हैं और एमआई ने 19 मैच। और एमआई का पल्ला भारी रहा है हमेशा सीएसके पे, और देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। प्लेयर बैटल की बात करें, प्लेयर बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फैंटेसी क्रिकेट को समझने के लिए, क्योंकि प्लेयर बैटल के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सा प्लेयर किस प्लेयर पर हावी हो रहा है और कौन सा प्लेयर हमें अच्छे पॉइंट दिला सकता है। सबसे पहले क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेंगे मुंबई इंडियंस के लिए, उनका सामना होगा डीजे ब्रावो से। 22 गेंद है, 25 रन, 2 बार आउट किया है डीजे ब्रावो ने उन्हें। दीपक चहर जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, 77 बॉल में 99 रन बनाए हैं क्विंटन डिकॉक ने, और 2 बार वो भी आउट हुए हैं क्विंटन डिकॉक के, और दोनों बार फर्स्ट इनिंग में आउट किया है। मोइन अली जो कि ऑफ स्पिन करते हुए दिखेंगे, हो सकता है पावर प्ले में 1-2 ओवर डालें, और क्विंटन डिकॉक को 3 बार आउट कर चुके हैं 25 गेंदों में 35 रन बनाकर। ओके, और तीनों बार फर्स्ट इनिंग में ही आउट किया है। इमरान ताहिर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, 24 गेंदों में 18 रन बनाए हैं डिकॉक ने उनके खिलाफ, और 2 बार वो भी आउट कर चुके हैं। और रोहित शर्मा हिटमैन की बात करें तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के चेन्नई के खिलाफ, और देखते हैं क्या होता है। जेसन बेहडॉप जो कि एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और उनके खिलाफ 3 बार आउट हो चुके हैं 20 गेंदों में 18 रन बनाकर। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं बेहडॉप के रोहित शर्मा के अगेंस्ट। दीपक चहर जो कि पावर प्ले में दिखेंगे, और 39 बॉल में 35 रन बना रखे हैं उन्होंने रोहित शर्मा ने, और 2 बार आउट कर रखा है रोहित शर्मा को। लुंगी एंगिडी साउथ अफ्रीका के तेज बॉलर हैं, 2 बार आउट कर रखा है रोहित शर्मा को। और डीजे ब्रावो ने 72 गेंदों में 82 रन देकर 5 बार आउट कर रखा है, और 4 टाइम्स इन फर्स्ट इनिंग में डीजे ब्रावो देखते हैं क्या करते हैं। और वैसे तो डेथ में ही देखने को मिलेंगे हमें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर स्काई सूर्य कुमार यादव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं अभी सैम करन के साथ। सैम करन तो शायद ही देखने को मिलेंगे, और 2 बार आउट किया था उन्होंने। रविंद्र जडेजा 50 गेंदे 40 रन, 2 बार आउट किया सूर्य कुमार यादव को, और देखते हैं जडेजा क्या करते हैं। और दोनों बार सेकेंड इनिंग में आउट किया है। ईशान किशन वर्सेज इमरान ताहिर, तो ईशान किशन 29 गेंदे 45 रन और 5 बार आउट किया है, और हमने पिछले बार भी देखा था कि इमरान ताहिर ने ईशान किशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था उनके खिलाफ, और लेग स्पिनर के सामने थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता ही है ईशान किशन का। उसके बाद आते हैं कैरेबियन पावर बॉस कैरन पोलार्ड, उनका जो बैटल होगी डीजे ब्रावो और कैरन पोलार्ड की बैटल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलती है हमें, और बहुत ही अच्छे प्लेयर है दोनों T20 के। 156 गेंदे 254 रन और 10 बार आउट कर चुके हैं, अपने आप में ये बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं। और डीजे ब्रावो डेथ में ही देखेंगे, और कैरन पोलार्ड डेथ में आखिर के ओवर में स्लॉग ओवर में हिटिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप सीएसके की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे
ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फैफ डु प्लेसिस की तरह के साथ अगर वो खेलते हैं तो, वरना रॉबिन थापा खेलेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, क्या बोल्ट दे पाएंगे मुंबई को झटका? और देखते हैं, 5 गेंदें 0 रन, मतलब अभी तक कोई रन नहीं बना पाए हैं बोल्ट के सामने गायकवाड़, और एक बार आउट हो चुके हैं। फैफ डु प्लेसिस वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, 41 रन 36 41 बॉल्स 36 रन, और 2 बार आउट कर चुके हैं फैफ डु प्लेसिस को। कुणाल पांड्या भी एक बार आउट कर चुके हैं, वो स्पेशली पावर प्ले में है। स्पेशल तौर पर रोहित शर्मा कभी कभी पावर प्ले में उनको बॉलिंग देते हैं और उससे विकेट चटका सकते हैं। एम एस धोनी, सबको इंतज़ार है एम एस धोनी का, और एम एस धोनी इस बार आईपीएल में देखने को मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ उनका जो स्टैट्स हैं ये कह रहे हैं कि जो प्लेयर बैटल में 56 गेंदें 56 रन नारखे हैं और 3 बार आउट करके है बुमराह ने महेंद्र सिंह धोनी को। और ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो 43 गेंदों में 86 रन नारे हैं, मतलब ट्रेंट बोल्ट की खूब कुटाई हो चुकी है एम एस धोनी के सामने, जबकि 3 बार आउट करके है उन्होंने। देखना होगा एम एस धोनी के साथ रिकॉर्ड, सैम करन खेलेंगे नहीं यहाँ से। और फिर अब आते हैं रविंद्र जडेजा, सर जडेजा की बात करें तो कुणाल पांड्या के सामने उनका स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहा है। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा स्पेशल रहेंगे और ओपनिंग करते हुए दिखेंगे हमें फाइव डू प्लेसेस के चेन्नई की तरफ से। और कोइन एल की बात करें तो वन डाउन देखने को मिलेंगे और बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। पंट के रूप में क्विंटन डिकॉक स्पेशल रहेंगे, स्काई कैन स्कोर भी बहुत ही लंबी पारी खेल सकते हैं सूर्य कुमार यादव। लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू फील द हार्ड वर्क। अब चलते हैं टीम की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन में हमने क्विंटन डिकॉक लिया है, और बैटिंग सेक्शन में फाइव डू प्लेसेस, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर सेक्शन में से मोइन अली, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। बॉलिंग सेक्शन में से दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और राहुल चहर। मैंने यह टीम मुंबई के फेवर में बनाई, आप चेन्नई के फेवर में टीम बना सकते हैं। कॉमन कैप्टन होंगे मेरे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन होंगे क्विंटन डिकॉक।